नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। तरनतारन में ब्लू स्टार ऑपरेशन के शहीदों की याद में कल्लू कारा दिवस मनाया गया। इस दौरान मंजी साहिब हॉल में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत शहीद सिखों की याद को समर्पित कीर्तन दरबार व धार्मिक समागम आयोजित किया गया। पंजाब के पर्यटन एवं संस्कृति मामले मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि सरकार द्वारा द आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट को पूरी सहायता दी जाएगी, जो कि अमृतसर की टाउन हॉल में हुए बंटवारे की दास्ता का व्याख्यान कर रही है। यह ट्रस्ट 17 अगस्त को अपनी तरह के अद्भुत संग्रहालय को जनता के सुपुर्द करेगा, जिससे अमृतसर में पर्यटन उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। उद्घाटन चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, मुकम्मल करके इस पूरा खत्म कंप्लीट म्यूजियम असी पूरे वर्ल्ड नू पेश करांगे और 17 अगस्त नू जिहड़ा असी दिन मनाया करांगे रिमेंबरेंस डे फॉर द पार्टीशन और उन्हों हर साल मनाया करांगे, उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब और वड्डे डिग्निटरीज इहदा उद्घाटन करेंगे। अमृतसर में ब्लू स्टार ऑपरेशन के समय शहीद हुए सैनिकों को शिवसेना की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। हैरानी की बात यह रही कि श्रद्धांजलि देते समय शिवसेना ने जूते उतारने भी जरूरी नहीं समझा। यहां तक कि एक बोर्ड जिस पर शहीदों की तस्वीर लगी हुई थी उसे भी अपने जूते के सहारे टिकाए हुए था। मैं सुखदेव संधू, राज्य उपर मुख पंजाब। आज हर साल की तरह 6 जून शिवसेना बालठारे वालों एक श्रद्धांजलि समारोह रखा जाता है, जिहदे विच ऑपरेशन ब्लू स्टार ते अतवा दे दौरान साडे पुलिस अफसर दे जवान, फौज दे जवान ते जिहड़े नजायज़ हिंदू सिख शहीद होए ने उन्हां दी आत्मिक शांति लई असी एक हवनजा करदे हां। अज हवनजा दा कीता गया ते जिहड़े भी साडे भाई, साडे बंधु, साडे हिंदू सिख भरा शहीद होए उन्हां दी आत्मिक शांति लई इत्थे श्रद्धांजलि समारोह रखदे हां। ते नाल ही असीं एक मीडिया दे जरिए एक संदेश देना चाहुंदे हां कि पंजाब अज पूरी शांति नाल है ते कुछ जिहड़े संगठन ने पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश करदे, असीं सरकार नूं अपील करदे हां इन्हां जल्दी नत्त पाई जावे तां जो जिहड़ा पंजाब दा पहला 30 साल पहला सी माहौल सी उह दुबारा ना आवे। गुरदासपुर के एडीसी की तरफ से मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार अलग अलग सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों की हाजिरी देखी गई। इस दौरान गुरदासपुर के जिला शिक्षा दफ्तर में 2 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए तो वहीं कुछ कर्मचारी दफ्तर में देरी से पहुंचे। मानयोग डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर जी के आदेशों के तहत जी असी दफ्तर की चैकिंग शुरू की है जी, उस लड़ी के तहत अज असी जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी का दफ्तर चेक किया सवेरे 9 बजे ते 2 मुलाजम गैर हाजर पाए गए ने ते बाकी साड़ी ड्यूरिंग उत्थे जिन्ना चर मैं चैकिंग करता रहा उस समय दौरान आ गए ने ते जिहड़ा मैं ये कहना चाहुंदा वा भी मानयोग डीसी साहब वालों ये सख्त आदेश आ भी समय की पाबंदी नूं हर हालत दे विच जिला गुरदासपुर च लागू किया जाएगा ते मैं सारे कर्मचारियों नूं ये वार्निंग देनी चाहुंदा वा भी समय की पाबंदी नूं लागू कर लो, नहीं तो चैकिंग आने वाले समय से होर तेज़ होगी तो जिहड़ा गैर हाजर रहेगा कर्मचारी उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनी कार्रवाई अमल च लिया बिल्कुल नोटिस देवांगे जी, इन्हों अशोकाज नोटिस देवांगे जे इन्हों का जायज़ होएगा जवाब तो वो मुताबिक इन्हों वार्निंग दे के छड़ देंगे, जे नहीं जायज़ होएगा तो इन्हों बिल्कुल गैर हाजर करा देवांगे। अमृतसर के लोहगढ़ में हिंदू संघर्ष दल ने आतंकवाद का पुतला जलाकर पंजाब से आतंकवाद का सफाया करने वाले पूर्व डीजीपी केपीएस गिल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के साथ भी कड़ा रुख अपनाने की मांग की। लोहगढ़ चौक से हिंदू संघर्ष सेना वालों
ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਪਛਾਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਅਤੇ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतर आई है। दाल व सब्जियों के उचित मूल्य और अन्य मांगों को लेकर दोनों प्रदेशों के किसानों का समर्थन करते हुए यमुनानगर के किसानों ने भी सब्जियों को मंडियों में न ले जाकर उन्हें सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के बाद किसानों ने इस मामले के संबंध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया। आज किसान यूनियन ने यमुनानगर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है उनके समर्थन में यहां पर आज प्रदर्शन किया। वहां का किसान अपनी मांगों को लेकर पिछली एक तारीख से सड़कों पर है, सरकार उनकी कोई सुनाई नहीं कर रही। उन्हीं की आज उसी के तहत हमने भी आज यमुनानगर में हरियाणा में भी आंदोलन की कल शुरुआत ही शाहबाद से कर दी थी, उसी के तहत आज हमने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया। जैसे वहाँ के किसानों की मांग है, मूँग की समस्या, उनकी फसल तैयार है, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की है, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं का जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है, वहाँ का किसान का कर्जा माफ़ हो, इन मांगों को लेकर जो वहाँ आंदोलन चला हुआ है उसी की एवज में आज हमने यहाँ यमुनानगर में भी प्रदर्शन किया। उन लोगों ने जैसे शहर में सब्जी फल दूध सब शहर में देना बंद कर दिया है, उसी के समर्थन में आज हमने भी यहाँ पर अपना फल सब्जियाँ जो है सड़क पर फेंकी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।